नादरन रेंज धर्मशाला के बॉर्डर एरिया में ड्रग्स ट्रैफिकिंग तथा अन्य आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के दौरान छात्रों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सके। डीआईजी नादरन रेंज धर्मशाला का कार्यभार आईपीएस सुमेधा द्विवेदी ने पदभार संभालने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नादरन रेंज के अंतर्गत 3 जिले कांगड़ा, ऊना तथा चंबा हैं। इन तीनों ही जिलों की समस्याएं अलग अलग हैं तथा जिलों की स्थिति के अनुरूप ही प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही तीनों जिलों के एसपी के साथ बैठक कर स्पेशल फोर्स गठित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के साथ लगने वाले जिलों में आपराधिक गतिविधियों तथा ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या रहती है। आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। ऐसे में उनकी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि साथ लगने वाले राज्यों के साथ मिलकर स्ट्रेटजी तैयार की जाए, जिससे कि ऐसी वारदातों के बाद आरोपियों को पकड़ने में सहायता मिले। इतना ही नहीं, रेंज में नशा तस्करों पर सिकंजा कसने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि नशा तस्करों के मुख्य सरगनों तक पहुंचा जाए। डीआईजी ने कहा कि पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में भी पर्यटकों तथा अन्य गतिविधियों की पूरी जानकारी लेने के बाद आगामी खाका तैयार किया जाएगा। पुलिस सेवा की 2005 बैच की हिमाचल प्रदेश काडर की ऑफिसर हूं और आज मैंने एज डीआईजी नादरन रेंज धर्मशाला ज्वाइन किया है। रेंज के तीनों जिले कांगड़ा, ऊना, चंबा और हर एक की अलग प्रायोरिटीज रहेंगी, क्योंकि रीजन वाइज क्राइम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जिले में जो भी डिफरेंट तरह की तीनों जिलों की क्राइम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान दें। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि एसपीज के साथ बैठ कर एक एजेंडा तैयार किया जाए एंड गोल सेट किए जाएं, जिन्हें अचीव करने के लिए हम एज ए टीम काम करें। देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की हमेशा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम रही है। इट इज़ बाय कोइंसिडेंस कि मैंने ज़्यादातर जिन जिलों में काम किया है वो बॉर्डर ज़िले रहे हैं, जैसे ऊना, सिरमौर और बद्दी। तीनों ही बॉर्डरिंग ज़िले हैं जो पंजाब, हरियाणा और वहाँ पर उत्तराखंड सिरमौर टच करता है। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम रहती है, देन एक बहुत ज़्यादा है अकरेंस की क्राइम करके दूसरे ज़िलों में भाग जाना, दूसरी स्टेट में चले जाना। उसके लिए हमेशा अलग तरह के चैलेंजेस रहे हैं। मैं जहाँ पे भी रही हूँ वहाँ पे हमने ट्राई किया है कि हम अपने जो पास के ज़िले हैं, पास की स्टेट्स हैं, उनसे अपने चैनल्स हमेशा थ्रू रखें, क्योंकि उसमें हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वहीं उनकी भी होती हैं। सो वो चैनल्स हमेशा मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम किया है और उसके थ्रू हमने बड़ी जल्दी नाप कर लिया है जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पे भी, क्योंकि इस रेंज में इंटरनेशनल बॉर्डर भी चंबा के साथ लगता है एंड यहाँ पे इंटरस्टेट बॉर्डर भी लगता है। सो हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ मिल के एक स्ट्रैटेजी भी एक बनाएं जिससे हमारे जो साथ के राज्य या साथ के ज़िले हैं उनको भी फायदा हो एंड एक तुरंत एक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो, प्रीएम्प्टिव एक्शन भी लें एंड अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम उसमें पोस्ट एक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल जो है वो लें। देखिए, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस। मैंने आज सुबह ही ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगी कि पहले इन सब के बारे में एक अच्छे से इनपुट लूँ, थोड़ा सा खुद ग्राउंड सर्वे किया जाए, उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी या इसके बारे में मैं कमेंट कर पाऊंगी। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, ऑलरेडी डीजी सर के दिशा निर्देश पे, क्योंकि डिफरेंट विंग्स हैं हिमाचल पुलिस के, तो सीआईडी की तरफ से बहुत वो किए जा रहे प्रयास, यहाँ पे जिला पुलिस को रेंज में भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को लागू करके हमारी भरसक कोशिश ये रहेगी कि स्पेशल टीम्स लगा के उस पर रोकथाम की जाए, बिकॉज ये प्रॉब्लम अब एक स्पेसिफिक जिला की भी नहीं रही है, ऑलमोस्ट सभी जगह ये पनपती जा रही है। सो
बहुत ज़्यादा ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको अगर स्टडी कर पाऊँ कि अगर क्या इसमें ज़िला से ज़िला अलग अलग है क्या, उसके बाद ही उसमें कोई स्ट्रैटेजी अलग से इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी।